लोकसभा चुनाव से ठीक दो दिन पहले राहुल गांधी ने मोदी पर जोरदार किया वार। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी को खुली चुनौती दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी आप मुझसे आमने सामने होकर बहस कीजिए और यदि आपको डर लगता है तो आप किताब खोलकर भी बहस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल का मानना है कि जब हम आमने सामने होकर बात करेंगे तभी पता लगेगा कि भ्रष्टाचार किस सरकार के होते हुए ज्यादा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार खुली चुनौती दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को राष्ट्र सुरक्षा, खासकर राफेल डील को लेकर बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि कोर्ट की तरफ से राफेल डील को लेकर मोदी को क्लीन दिखा दिया गया है, पर उसके बाद भी कांग्रेस सरकार मोदी पर बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने ट्वीट पर क्या लिखा है। प्रिय प्रधानमंत्री जी, क्या आप भ्रष्टाचार पर मेरे साथ बहस करने से डरे हुए हैं? मैं आपके लिए यह आसान कर सकता हूँ। चलिए किताब खोलकर आप इन विषयों पर तैयारी कर सकते हैं। जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया तब भी कांग्रेस ने बीजेपी पर के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी का घोषणा पत्र एक बंद कमरे में बैठे हुए आदमी की आवाज है और हमारे घोषणा पत्र में पूरे देश की आवाज है। इसी तरह राहुल गांधी बार बार मोदी को ललकारते रहते हैं। SPN 9 न्यूज से आंचल की रिपोर्ट।